आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। डेटा लीक पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला एक बड़ा खुलासा हुआ है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ काम करने वाले क्रिस्टोफर वाइली ने खुलासा किया है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका भारत में कांग्रेस के लिए काम कर चुकी है। क्रिस्टोफर वाइली के कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवाएं ली। कांग्रेस पार्टी ने पब्लिकली ये डिनाई किया था जब मैंने आरोप लगाया था कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हम अपेक्षा करेंगे कांग्रेस पार्टी आज देश से माफी मांगेगी और हम राहुल गांधी से भी अपेक्षा करेंगे कि अब भटकाने की कोशिश नहीं करें, माफी मांगे। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन के सामने क्रिस्टोफर ने कहा कि उन्हें ये याद नहीं है कि कांग्रेस ने कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवा राष्ट्रीय स्तर पर ली या राज्य के स्तर पर। वाइली ने यह भी खुलासा किया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का भारत में काम देखने वाली कंपनी ओबीआई यानी ओबिलेनो बिजनेस इंटेलिजेंस कांग्रेस के लिए काम करती थी, लेकिन ओबीआई को एक भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति ने कांग्रेस को हराने के लिए पैसे दिए। वाइली के मुताबिक वो अरबपति भारत में कांग्रेस को हारते हुए देखना चाहता था। ओबीआई के इंडिया चीफ जेडीयू नेता केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी हैं। झूठे कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी आए दिन एक मनगढ़ंत झूठ घड़कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की ओर से देश का ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कर्नाटक की 224 सीटों पर एक ही चरण में 12 मई को वोट पड़ेंगे। वोटों की गिनती 15 मई को होगी। डेट ऑफ पोल इज 12 मई, डेट ऑफ काउंटिंग इज 15 मई। चुनाव में सभी 56,000 बूथ पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। पहली बार ईवीएम पर चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवारों की तस्वीर भी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। चुनाव प्रचार में कोई उम्मीदवार 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। कर्नाटक में 4,90,00,000 वोटर हैं। कर्नाटक चुनाव की तारीख लीक होने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दे दिया है। आयोग ने आज कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन जिस वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी वक्त सोशल मीडिया पर चुनाव की तारीख वायरल हो गई। बीजेपी की आईटी सेल ने तारीखों को ट्वीट किया। चुनाव आयोग ने मामले की जांच के लिए अफसरों की कमेटी गठित की है। एक टेलीविजन चैनल के सोर्स के आधार पर था इसका, जो है वो कोई मकसद मंशा नहीं था कि चुनाव आयोग को किसी भी रूप में उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाया जाए। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने काउंटिंग की तारीख 18 मई बताई थी, उसके फौरन बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। देश के सामने गंभीर समस्याएं हैं समेत डेट और डेटा चोरी की। भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव आयोग की डेट भी चोरी कर ली और डेटा तो इस देश का हर रोज चोरी हो रहा है, वो आधार हो या नमो ऐप हो। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ वोटों के लिए लिंगायतों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के चलकरे की सभा में शाह ने कहा कि लिंगायत समुदाय कांग्रेस को चुनाव में कड़ा जवाब देगा। तब वीर मत्तरी नायक का अपमान करने का काम सिद्धारमैया सरकार करती है। इससे पहले अमित शाह सुबह मदारा चेन्नैया मठ पहुंचे। उन्होंने श्रृंगेरी मठ के शिवमूर्ति शिवाचार्य महास्वामी का भी आशीर्वाद लिया। 2019 चुनाव के लिए गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी थर्ड फ्रंट की कोशिशें शुरू हो गई हैं। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी आज दिल्ली में शिवसेना और टीडीपी समेत 9 पार्टियों के नेताओं से मिली, लेकिन सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। राहुल गांधी से ममता खुद किनारा करते दिखी। राहुल से कल आपको मुलाकात है, राहुल गांधी से मुलाकात हो गया भाई? बोला ना सोनिया जी का बात बोल दिया ना, कांग्रेस को तो एक ही आदमी हुए, इतना आदमी। ममता ने कहा कि फेडरल फ्रंट को ठीक ठाक सीटें आई तो कांग्रेस भी उनका साथ देगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि थर्ड फ्रंट की मोलभाव की राजनीति के दिन लग चुके हैं। 2019 में फिर बीजेपी चुनाव जीतेगी। वो देश के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग दल की चिंता में व्यस्त हैं। कितना ये इकट्ठे हो जाएं, 2019 में नरेंद्र मोदी जी अपार बहुमत से जीतेंगे। संसद के ठप रहने का सिलसिला जारी है। बजट सत्र के दूसरे दिन का आज 16वां दिन था। सत्र खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही आज भी ठप रही। लोकसभा में आज आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर, टीडीपी और कावेरी के मुद्दे पर एआईएडीएमके सांसदों ने खूब हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
लोकसभा में आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिए गए थे, लेकिन सदन में ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव नहीं रखे जा सके। सदन स्थगित होने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से भाग रही है। हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स करने में रहा और देशों के लोगों को जो सहूलत मिलना चाहिए, आंध्र प्रदेश के लोगों को जो सहूलत मिलना चाहिए। यूपी विधानसभा ने संगठित अपराध पर रोक लगाने वाला यूपी को का बिल आज विधानसभा में बिना किसी संशोधन के पास कर दिया। बिल में संगठित अपराध पर 7 साल की सजा से लेकर फांसी तक का प्रावधान है। आज आवश्यकता है एक ऐसे कानून की, संगठित अपराध में संलिप्त तत्वों पर कठोरता तो कर ही सके, साथ ही साथ आम जनमानस को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी भी दे सके। यूपी सरकार ने यूपी कोका बिल के तहत अवैध कब्जे, अवैध खनन, अवैध शराब कारोबार को भी संगठित अपराध के दायरे में रखा है। बिल के खिलाफ विपक्षी दलों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। यूपी कोका बिल को विधान परिषद ने 2 बार खारिज किया था। विपक्ष का आरोप है कि अधिकार बढ़ने से यूपी पुलिस की मनमानी बढ़ेगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद बिल सीधे अस्तित्व में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डेटा चोरी रोकने के लिए कानून बनाने को कहा है। आधार पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सवाल पूछा कि UIDAI के पास डेटा सुरक्षित है, लेकिन अगर आधार जब किसी को दिया जाता है तो उस समय डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। पिछले सुनवाई में UIDAI CEO अजय भूषण पांडे ने आधार को सुरक्षित बताया था। UIDAI ने कहा था कि वो आधार का डेटा कहीं शेयर नहीं करता, लेकिन संवैधानिक पीठ इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा चोरी रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाना जरूरी है। खाप पंचायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नकेल और कस दी। खाप के फरमानों को गैर कानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो बालिग मर्जी से शादी कर रहे हों तो खाप उन्हें रोक नहीं सकती, यहां तक कि ऐसी शादियों को रोकने के लिए भीड़ का इकट्ठा होना भी गैर कानूनी है। हॉरर किलिंग के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश भी दिए। कोर्ट ने हर जिले में स्पेशल सेल बनाने, जान पर खतरा बताने वाले जोड़ों को सुरक्षा देने, हेल्पलाइन शुरू करने और ऐसे मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती, कोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने महाभियोग के मसौदे पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है। इस मसौदे पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर पाने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि की। हस्ताक्षर चल रहा है जी, तो जब हस्ताक्षर पूरे हो जाएंगे, मेरा ख्याल है 50 से ऊपर हस्ताक्षर हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अब तक इस मसौदे पर कांग्रेस के अलावा आरजेडी, डीएमके और वाम दलों के तकरीबन 15 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। मसौदे में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर अपने प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। आरोप ये भी है कि दीपक मिश्रा ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की सुनवाई खास जजों को सौंपी है ताकि मन मुताबिक फैसला पाया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने भिंड में पत्रकार संदीप शर्मा की मौत पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेत माफिया के खिलाफ मुहिम चला रहे पत्रकार संदीप शर्मा को कल एक डंपर ने कुचल दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पूरे प्रकरण को सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किया। वहीं संदीप शर्मा के परिवार ने सरकार से पत्नी को नौकरी, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था और 25 लाख रुपए आर्थिक मदद की मांग की है।